जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जय भोले जी की। एक खुशहाल जिंदगी कौन नहीं चाहता, परंतु सच ये अभी है कि खुशहाल जिंदगी का असली आनंद बहुत कम लोग ही उठा पाते हैं। सवाल यह है कि आखिर वे लोग ऐसा करते क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग श्रेणी में ला खड़ा करता है। बेशक वे भी हम सबकी तरह ही रहते हैं, लेकिन उनका नजरिया हमसे थोड़ा अलग होता है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। सकारात्मक नजरिया उनके सहज और स्वाभाविक जीवन का हिस्सा होता है। हम में से अधिकतर की तरह ना तो वे नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और ना ही वैसा रवैया रखने वाले लोगों से प्रभावित होते हैं। वे संसार को आशावादी चश्मे से देखते हैं और दोषपूर्ण पक्षों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं। जीवन में खुशियां और हर तरह की समृद्धि पाने के लिए आपको पहले अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आइए जानते हैं दृष्टिकोण के ऐसे ही कुछ उदाहरण। रावण बनना भी कहां आसान है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी ना करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली ये राम की ही ताकत थी, पर पवित्र मिली ये रावण की भी मर्यादा थी। हे राम, आपके युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। 1000 महफिलें हो, 1,00,000 मेले हो, पर जब तक खुद से ना मिलो अकेले हो। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। छोटा बन के रहेंगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय भोले जी की।